तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैपो का यूज़ क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे कॉर्ड्स को ट्रांसपोज करना है अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी गाने का। तो मैं आपको 5 मिनट में सारी चीज़ें समझा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं दूसरा लेसन आप चेक कर सकते हो। तो जो बिगनर्स होते हैं थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं कि कैपो के साथ गाना जो बज रहा है उसको बिना कैपो में कैसे बजाए, या फिर कोई गाना अगर बार में बज रहा है उसको कैपो में कैसे ईजी कर सके। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, आप इसको 5 मिनट में समझ लोगे। तो यहाँ पे मैं जो गिटार यूज़ कर रहा हूँ कॉर्ड का गिटार, काफ़ी अच्छा गिटार है। इसके ऊपर मैंने अलग से रिव्यू बना, उसको जरूर देखिए, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज का लेसन अभी स्टार्ट करते हैं। अगर ये लेसन आपको हेल्प कर रहा है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है मैं अपना हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए भी शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता दूंगा, एक पेपर पेन में लिख के आपको आराम से सबको समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक बार वो ट्रिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको म्यूजिक के 12 नोट्स है उसको एक ऑर्डर में याद रखना है। ए बी फ्लैट बी सी सी साफ डी डी साफ ई एफ एफ साफ जी जी साफ बैक टू ए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पे लिख के रख लीजिए, काफ़ी आपको हेल्प करेगा आगे थ्योरी सीखने में। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सोचिए कोई प्रोग्रेशन जा रहा है सेकंड फ्लैट पर कैपो लगा के, जी मेजर सी मेजर एंड डी मेजर। अभी आपको इसको बिना कैपो का प्ले करना है तो आप कैसे प्ले करोगे? तो सबसे ईजी ट्रिक है कि अगर आपको बिना कैपो का ये सब कॉर्ड्स प्ले करना है सेम स्केल में, तो आप क्या कीजिए, सभी कॉर्ड्स को बिना कैपो का दो दो नोट्स ऊपर कर लीजिए। लाइक अगर आपका जी है तो आप उसको बना लीजिए जी जी साफ ए, तो जी बन गया आपका प्लस टू ए, हो गया दो नोट्स ऊपर आ गया, दो सेमी टोन्स। देन आपका सी है उसको मूव कर लीजिए दो फ्रेट्स ऊपर, दो नोट्स ऊपर, दैट इज सी साफ एंड डी। यहाँ पे देख सकते हो आप सी सी साफ डी, तो सी आपका बन गया डी विदाउट कैपो। देन आपका डी है उसको भी दो मूव कर लीजिए, बन गया आपका ई डी साफ ई। तो बिना कैपो का आपका कॉर्ड्स बन गया ये सब कॉर्ड्स, ए मेजर डी मेजर एंड ई मेजर। काफी सिंपल है, जहां पे भी कैपो लगाया सेकंड फ्लैट पे कैपो लगाया आप क्या कीजिए सबको दो दो मूव कर लीजिए ऊपर। तो सोचिए भी थर्ड फ्लैट पे कैपो लगाया है ना, आपका कॉर्ड्स बज रहा है ई माइनर ए माइनर एंड डी मेजर, तो आपका जो ई माइनर था वो बन जाएगा जी माइनर, क्योंकि हम उसको तीन नोट्स ऊपर ले लेंगे, क्योंकि थर्ड फ्लैट पे आपका कैपो लगा था ई माइनर, उसका नेक्स्ट आएगा एफ माइनर, एफ सब माइनर, जी माइनर, तो आपका ई माइनर बन गया जी माइनर बिना कैपो का। सेम आपका ए माइनर बनेगा सी माइनर बिना कैपो का, क्योंकि उसको तीन मूव कर लेंगे B फ्लैट B C। तो D बनेगा आपका F, क्योंकि उसको भी तीन ऊपर लेंगे, बन जाएगा वो D sharp E F। तो ऐसे करके आप कोई भी कॉर्ड्स को ट्रांसपोज कर सकते हो कैपो से बिना कैपो का, बस आपको म्यूजिक का नोट्स को एक ऑर्डर में याद रखना है। तो अभी देख लेते हैं कैसे हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, देन मैं आपको गिटार पे इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके समझा दूंगा। तो चलिए अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। कोई कॉर्ड प्रोग्रेशन जा रहा है एफ बी फ्लैट एंड सी, थोड़ा डिफिकल्ट कॉर्ड है आपका एफ एंड बी फ्लैट। अभी आपको इसको ईजी करना है कैपो लगा के, तो आपको जो F नोट यहाँ पे आप देख सकते हो, आप क्या करना है उसको बैक लेके जाना, देखना कौन सा कॉर्ड आपको कौन सा नोट आपको प्ले करने में इजी है। F मेजर है, E मेजर, D शार्प मेजर, D मेजर, तो हम लोग क्या करेंगे इसको D मेजर में ट्रांसपोज करेंगे। तो आपका कितना नोट्स पीछे गया, E D शार्प D, तीन नोट्स पीछे जा रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फ्रेट पे कैपो लाएंगे एंड सभी कॉर्ड्स को उसी हिसाब से ट्रांसपोज करेंगे तीन तीन पीछे लेके। लाइक आपका F बन गया D, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। देन आपका B फ्लैट है यहाँ पे आप देख सकते हो, B फ्लैट है उसको भी तीन पीछे लेंगे A G sharp G, तो आपका B flat major बन गया G major। देन आपका जो C था उसको तीन पीछे ले लेंगे B B flat A, आपका C बन गया A। तो ये progression को हम कैपो लगा के थर्ड फ्रेट पर बना लेंगे D G and A, जो कि थोड़ा इजी हो जाएगा आपको प्ले करने में। तो काफ़ी इजी कंसेप्ट है, काफ़ी इजी ट्रिक है, बस आप ये नोट्स को याद रख लीजिए, आप कहीं पे भी अप्लाई करके कोई भी कॉर्ड को ट्रांसपोज कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो चलिए भी गिटार में थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेकंड फ्रेट पे कैपो लगा है, जो आपका प्रोग्रेशन था वो था जी सी एंड डी, ठीक है। तो बिना कैपो का कैसा बनेगा, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, आपका जी बन गया ए, आपका सी बन गया डी एंड आपका डी बन गया ई, ठीक है, अगर आपको बिना कैपो का प्ले करना है। सेम अभी हम लोग थर्ड फ्रेट पे कैपो लगाएंगे एंड जो प्रोग्रेशन था आपका ई माइनर ए माइनर एंड डी मेजर, वो बिना कैपो का कहां पे बनेगा, E माइनर आपका बन जाएगा यहाँ पे G माइनर, A माइनर बन जाएगा C माइनर एंड आपका D मेजर बन जाएगा F मेजर। तो जो लास्ट मैंने आपको बताया था वो था आपका F मेजर B फ्लैट मेजर एंड C मेजर। इसको इजी करेंगे कैसे, थर्ड फ्रेट पे कैपो लगा लेंगे D पे, उसको ट्रांसपोज कर लेंगे, तो आपका F बन गया यहाँ पे D मेजर, काफी सिंपल है। B फ्लैट बन गया आपका यहाँ पे G मेजर एंड आपका सी बन गया यहाँ पे ए मेजर। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसका यूज कैसा होता है। अगर आपको डिटेल में समझना है और भी इन डेप्थ हो, मैंने उसके ऊपर डिटेल में लेसन बनाया, उसको जरूर देखिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।
तो यहाँ पे आप स्केल को हाई भी कर सकते हो। सोचिए अगर आपको थर्ड फ्रेट पे कैपो लगा के कोई कॉर्ड प्रोग्रेशन थोड़ा लो लग रहा है, आप क्या कर सकते हो, कैपो को मूव कर सकते हो फोर्थ फ्रेट पे एंड सेम कॉर्ड्स प्ले कर सकते हो, अपने पिच के हिसाब से उसको हाई कर सकते हो। तो इतना डिटेल में अभी नहीं समझेंगे, उसके ऊपर मैंने लेसन बनाया, उसको जरूर देखिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।